नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानी स्टेशन, जिला पाली, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भौतिक विज्ञान के टॉपिकों की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हमारा जो टॉपिक रहेंगे वो सेकेंड चैप्टर यानी गाउस थ्योरम, और गाउस थ्योरम के जो हमारी एप्लीकेशन थी, अनुप्रयोग थे, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की आज हम चर्चा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे और ये आपके लिए एक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए आप हमारे से जुड़े रहें और निरंतर वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। हम आज कुछ क्वेश्चन को लेके आए हैं इस वीडियो में, और आजकल आप देख रहे होंगे कि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाता, क्योंकि लंबा वीडियो थोड़ा सा बोरिंग टाइप में हो जाता है। इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक के रूप में लेके आता हूँ इसको, और मैक्सिमम आधे घंटे यानी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रख पाते हम। तो देखिए, हम आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं हम देख पाएंगे कि क्वेश्चन कहता है कि एक क्यों फूला हुआ गुब्बारा आवेशित करने पर आकार में कुछ बढ़ जाता है। यानी हमें बेसिक कंसेप्ट समझना है इसका। ये एक गुब्बारा ले लिया हमने, लेट अस कंसीडर ये एक बैलून है हमारा, ये फूला हुआ है। अगर इसको आवेशित कर दो, चाहे आप धन आवेशित करो चाहे ऋण आवेशित करो, जैसे ही धन आवेशित करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसके पृष्ठ पर आवेश फैला हुआ है। ये आवेश इसके पृष्ठ पर फैला हुआ है, और हम ये जानते हैं कि जब भी आवेश सतत रूप में वितरित हो, और ये सारे आवेश अल्प आवेश हैं, और अल्प आवेश इसके ऊपर इस तरीके से एक समान रूप से फैले हुए, इनकी प्रकृति समान है, ये भी धनावेश है तो ये भी धनावेश है, और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षित करेंगे तो ये अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे कि इनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो जाए। कैसा हो जाए? न्यूनतम हो जाए। और न्यूनतम प्रतिकर्षण के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रखना पड़ेगा। यानी ये इनके और इसके बीच में भी दूरी ज़्यादा हो जाए, इसके और इसके बीच में भी दूरी ज़्यादा हो जाए। और दूरी ज़्यादा कब होगी? जब इसका बैलून का आकार बढ़ेगा, क्योंकि अगर बैलून का आकार छोटा होता तो इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी, इसलिए बैलून के आकार का बढ़ना आवश्यक है। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे कि जब किसी गुब्बारे को आवेशित किया जाता है तो आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाता है, जिस इस आवेश के कारण है इस गुब्बारे के पृष्ठ पर बाहर की ओर एक दाब लगता है। हमने ध्यान हो तो एक वीडियो बनाया था मैंने कि किसी आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल व दाब, तो आपने देखा था कि दाब का मान था वो कितना आया था दाब का मान, मैं आपको लिख के बता देता हूँ फॉर्मूला, आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा कि दाब का फॉर्मूला P बराबर है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आया था। यानी जब भी आवेश किसी सतह पे एक समान रूप से फैल जाएगा तो उसके ऊपर दाब लगेगा, और वो उसको बाहर की ओर, बाहर की दिशा में दाब लगेगा, जिसके कारण इसका आकार बढ़ जाएगा। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। हम दूसरे क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई आवेश क्यू आर त्रिज्या की एक गोली है, आर त्रिज्या की एक गोली है पृष्ठ पर में बंद हो, यानी क्यू आवेश है आर त्रिज्या की गोली है पृष्ठ में बंद है, यदि इसकी त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम देखना चाहेंगे। देखिए, नॉर्मली ही हम ये जानते हैं फ्लक्स का मान जो है वो आवेश बटे हुए एप्सिलॉन जीरो है। देखिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। फाई बराबर क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि यह
त्रिज्या यानी उस गोले के आकार पर निर्भर नहीं करेगा, ऐसा हमें प्रतीत होता है। लेकिन इसमें ध्यान देने की आवश्यकता क्या है? उसने कहा त्रिज्या को आधा कर दिया जाए। अगर वो कहता त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यानी ये गोला था इसके पास क्यू आवेश था, अगर इसकी त्रिज्या आर है इसको दोगुना कर दे तो बड़ा हो जाएगा। तो आकार जब बड़ा करेंगे तो इस बाह्य पृष्ठ जो दोगुनी त्रिज्या वाला पृष्ठ है हमारा 2R वाला, इसके अंदर भी आवेश क्यू रहेगा, और आवेश में जब परिवर्तन नहीं हो तो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दोगुना, तो फ्लक्स का मान अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। हमारे यहाँ अक्सर हम गलती कर बैठते हैं। ये कह रहा है कि त्रिज्या को आधा कर दिया जाए। अब त्रिज्या को जब आधा करेगा, ये हमारा गोला था, इस पर आवेश फैला हुआ है क्यू आवेश, और इसकी त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो इसका मतलब कुछ आवेश से अंदर वाले गोले से जो नया गोला हमारा बना है, नया गोला इससे बाहर हो गया, और बाहर का आवेश इस गोले की फ्लक्स पे कोई भी प्रभाव नहीं डालता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि गोले से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स उसके आकार के कारण परिवर्तित नहीं होगी, होगी यहाँ। क्यों? क्योंकि गोले का आकार जब छोटा किया तो कुछ आवेश उस छोटे गोले की सतह के बाहर हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं टॉपिक। तो हमारे पास एक सूत्र है, फाई बराबर है ई इंटू एरिया, यानी ई इंटू डी एस। मान लीजिए हम इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ले लेते हैं, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr², ये हमारी प्रारंभिक फ्लक्स है जब हमारा गोला आर त्रिज्या का है, इसको समीकरण एक मान लिया हमने। फिर क्या कहता है, यदि त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, जब त्रिज्या को आधा करोगे तो हमारी नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर बटे दो, यानी पहले वाली त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, इसका आधा कर दिया जाए तो नई फ्लक्स क्या हो जाएगी, नई फ्लक्स मान लीजिए हमने नया गोला लिया उसकी फ्लक्स फाई डैश है, तो क्या हो जाएगा, ई डॉट ए डैश। ई तो वही का वही है, और गोले की क्षेत्रफल कितना हो गया, 4π, त्रिज्या आधी होगी आर बटे दो का वर्ग, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ई बराबर है इंटू 4πr² बटे वे 4, ये समीकरण दो हो गया। समीकरण दो को समीकरण एक से भाग दे दो, हम भाग दे देते हैं, समीकरण दो फाई डैश बटे वे फाई, फाई डैश का मान कितना आया, ई इंटू 4πr² बटे वे 4, और समीकरण एक से फाई क्या आया था, ई इंटू 4πR² तो ई से ई कटेगा, 4πr² से 4πr² कटेगा, तो क्या बच गया इधर 4, ये बटे में है तो नीचे की साइड आ जाएगा, नीचे की साइड आएगा तो हमारा आंसर क्या बच गया, फाई डैश अपॉन फाई बराबर है 1/4, और फाई डैश का मान कितना हो गया, फाई डैश का मान हो गया 5/4, ये हमारा सूत्र हो जाए। यानी यदि गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो विद्युत फ्लक्स प्रारंभिक फ्लक्स का यानी फाई का 1/4 भाग रहेगा। तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान देने की बात है, कई बार वो कह देता है, हाँ अगर यहाँ कह देता कि त्रिज्या दोगुनी कर दी गई, यानी ये गोला था और दोगुनी कर दी, तो आवेश इसका भी कई क्यू है और इसका भी क्यू है, इस अवस्था में फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब त्रिज्या को कम कर रहा है, जब त्रिज्या को कम किया जाएगा तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि फ्लक्स भी परिवर्तित हो जाएगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि दो चालक गोलों की त्रिज्याएं एक्स व वाई हैं, ठीक है, उनके पृष्ठ घनत्व समान हैं, तो इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक गोला ये है, एक गोला ये है, इसकी त्रिज्या एक्स है, इसकी त्रिज्या वाई है, इसका भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसका भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो अब ये क्या कहता है, जब इन दोनों चालक गोलों की सतह पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है और इनके पृष्ठ घनत्व समान हैं तो इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप अगर टॉपिक को मैच करा के देखें तो ये हमारा हो गया चालक गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक,
आप देख लीजिए, टॉपिक पे ध्यान दें। गाउस प्रमेय थी कि चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या निकाला था, E बराबर है चालक गोले के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व बटे हुए एप्सिलॉन नॉट, अगर निर्वात में है, माध्यम में हो तो एप्सिलॉन एम आ जाएगा। ये हम सूत्र लगाएंगे। अब देख लीजिए, ये पहला गोला था, ये दूसरा गोला था, इसकी त्रिज्या एक्स है, इसकी त्रिज्या वाई है, इसके ऊपर पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसके ऊपर पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, दोनों के पृष्ठ, इसके लिए ई वन का मान निकाल लिए। ई वन क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसके लिए गोल वाई के लिए ई टू निकाल लीजिए, ई टू क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो दोनों के लेफ्ट साइड हैं, बाएं भाग हैं, वो दोनों के एक समान हैं। सिग्मा बराबर है दोनों के लिए, एप्सिलॉन जीरो बराबर है, तो ई वन और ई टू का अनुपात निकालिए, यानी ई वन को ई टू से भाग दे के देखें तो क्या बन जाएगा, ई वन बटे हुए ई टू बराबर है, इधर भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो और इधर भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कट जाएंगे तो हमारा क्या आंसर बच जाएगा, यहाँ जब कटेंगे तो एक आ जाएगा, एक बटे हुए एक। तो हम क्या कह सकते हैं कि E1 और E2 दोनों का अनुपात कितना है, एक अनुपात एक, हम ये कह देंगे। तो यहाँ हमें पता लग गया कि E1 अनुपात E2 बराबर है एक अनुपात एक। तो हम कहेंगे कि अगर गोले चालक गोले हैं, उनकी त्रिज्याएं भले ही भिन्न भिन्न हों, यदि उनके पृष्ठ आवेश घनत्व समान हैं, ध्यान देना उनके पृष्ठ घनत्व आवेश समान हैं, तो उनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमेशा समान रहेंगी, इस बात का ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये ध्यान देंगे, एक समान आवेश से दो आवेशित समानांतर प्लेट के पृष्ठीय घनत्व समान है, यानी इसने क्या कहा है कि दो समानांतर प्लेट हैं, एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, इनके आवेश घनत्व भी समान है, दोनों के ऊपर पृष्ठ घनत्व समान है, ये भी सिग्मा है तो ये भी सिग्मा है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लेटों के बीच आ गया, तो यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को फिर समझ लो, एक समान आवेश से आवेशित दो समानांतर प्लेट के पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, एक प्लेट हमने ये ले ली इसका नाम ए रख दिया, एक प्लेट ये ले ली इसका नाम हमने बी रख दिया, इसके ऊपर आवेश है वो भी समान है और इसका आवेश भी समान है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा प्लस और इसका भी सिग्मा प्लस है, दोनों के पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा और सिग्मा समान हो गए। हमें क्या करना है, इसके मध्य में कोई बिंदु P ले लिया, हम P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, इस प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E1 है और इस प्लेट के लिए भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो गया, E2। तो P बिंदु पर हम पहले इस प्लेट को यहाँ से हटा देते हैं, इस प्लेट को हटाओगे तो हम ऐसा मान लेते हैं, ये पहली प्लेट है A, ये आवेश प्लस का है सिग्मा घनत्व, ये P बिंदु है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। टू एप्सिलॉन जीरो इसलिए लेता हूँ क्योंकि इसने चालक प्लेट नहीं दी, तो हम सिर्फ आवेशित प्लेट की बात करें तो उसमें सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो लेंगे। अगर ये चालक शब्द लिखता, क्या लिखता, चालक लिखता, तो फिर ये दो नहीं आता, लेकिन इसने चालक नहीं लिखा इसलिए हमने स्टैंडर्ड फार्मूला यूज कर लिया, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये वाली दिशा हो जाएगी ई वन की। आप ध्यान दें, ये आपकी प्लेट के राइट साइड में है इसकी डायरेक्शन। अब हम दूसरी प्लेट की बात करें, ये हमारी दूसरी प्लेट बी है, इसके ऊपर आवेश ये है, पृष्ठ घनत्व ये है, ये पी बिंदु इसके लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई टू बराबर है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। ये भी, क्योंकि ये भी चालक नहीं है, चालक नहीं है तो हम स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ कर लेंगे, और इसकी दिशा क्या देगी, ये आपके आपके लेफ्ट साइड में देगी, इस प्लेट के लेफ्ट साइड में देगी, इसका मान भी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। अब मैं दोनों को इकट्ठा बनाता हूँ, इंडिविजुअल पढ़ लिया हमने, अब ये पहली प्लेट है ये दूसरी प्लेट है, इसके कारण ई वन है इसके कारण ई टू है, तो ये बिंदु था, तो जो हमने देखा
कि ये पहली प्लेट है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, और दूसरी प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है E2। आप देख पा रहेंगे E1 और E2 दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं इस मध्य बिंदु P पे, एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत। और दोनों के मान क्या थे, σ/2ε0, और इसका भी मान क्या था, σ/2ε0। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या एक है, सदिश राशि है, और जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हों तो परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर है E1 - E2। और दोनों के मान σ/2ε0 रख दिया, इसका भी σ/2ε0 रख दिया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो परिणामी तीव्रता कितनी आ जाएगी, E बराबर है 0। ये बात हमने ध्यान देनी है, ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, यानी ये गोला दिया है जिसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, के अंदर +1 माइक्रो, यानी एक तो +1 माइक्रो कूलाम आवेश है, दूसरा क्या है -1 माइक्रो कूलाम आवेश है। ये माइक्रो कूलाम आवेश के एक द्विविद रूप को इसके अंदर रखा हुआ है, तो इससे निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन को देख लो, ये गोला हो गया, इसके अंदर एक द्विविद रूप रखा है, ये +1 माइक्रो कूलाम है, ये -1 माइक्रो कूलाम है, त्रिज्या इसकी 1 सेंटीमीटर है। तो ये कहता है इस गोले से निकलने वाली परिणामी फ्लक्स, यानी इस गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाली परिणामी फ्लक्स का मान क्या होगा। फ्लक्स का सूत्र हमें ध्यान है, फाई बराबर है, एक तो था हमारे पास E into A, इसका प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्षेत्रफल हमें दिया नहीं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें पता नहीं, तो इसलिए इस सूत्र का प्रयोग करना बेईमानी होगी, यानी ये सही तरीका नहीं होगा। दूसरा तरीका फ्लक्स का क्या है, άβ/ε0, ये सही रहेगा क्योंकि अपने को आवेश दे रखे हैं और आवेश का पता लग जाए तो हम फ्लक्स निकाल लेंगे। ε0 का मान हमें याद है 8.85 × 10^-12, तो अब क्यू कौन सा है, ये कुल आवेश है। कुल आवेश का मतलब होता है कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध किए गए आवेश का कुल मान। तो इसके अंदर तो दो आवेश हैं, एक तो +1 माइक्रो है, एक -1 माइक्रो है, तो एक +1 माइक्रो और एक -1 माइक्रो है, तो कुल आवेश किसके बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, एक तो +1 माइक्रो और एक -1 माइक्रो, और परिणामी मान कितना हो गया, 0। तो 0 मान होते ही फ्लक्स कितनी आ गई, निर्गत फ्लक्स σQ/ε0, ये हमारा सूत्र है, σQ का मान 0/ε0, तो फ्लक्स कितनी होगी, 0। तो हम क्या आंसर कहेंगे कि इससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 होगा। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इसका जिक्र हमने ऊपर कर भी लिया, इसी तरह का एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने, लेकिन अब हम फिर इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ये कहता अनंत विस्तार के 2 समान आवेशित चालक पट्टियाँ बोलता है, ये यहाँ सब ध्यान देना, ये कौन सी पट्टी कही है इसने, चालक पट्टियाँ, चालक पट्टी देगा। तो इसका सिंपल सा अर्थ ये होगा कि हमारा आवेश समान रूप से फैला हुआ है, एक दूसरे के सामने स्थित हैं, एक पट्टी ये है, एक पट्टी ये है, इनके पृष्ठों के बीच और बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को एक बार समझ लो, ये क्या कहता है, ये कहता है अनंत विस्तार की एक पट्टी है, ये भी चालक पट्टी है, ये भी चालक पट्टी है, ये ए पट्टी है, ये बी पट्टी है। जब दोनों चालक पट्टियाँ अनंत विस्तार की और समान मात्रा में आवेश है, आवेश समान मात्रा में होने का अर्थ ये हो गया कि इनका पृष्ठ घनत्व सिग्मा, तो इसका पृष्ठ घनत्व भी सिग्मा। हम ये मान लेते हैं कि प्रारंभ में इनके ऊपर धन आवेश है, अगर ऋण आवेश होगा तो ऋण आवेश ले लेंगे, हमने धन आवेश ले लिया। अब क्या कहता है कि दोनों पर समान मात्रा में आवेश है, लेकिन इसने प्रकृति की बात नहीं की। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ इसने ये कहा कि दोनों पर आवेश की मात्रा समान है। क्वेश्चन की की पॉइंट देखिए कि आवेश की मात्रा समान है, यानी अगर इसके ऊपर 5 माइक्रो कूलाम है तो इसके ऊपर भी 5 माइक्रो कूलाम है। इसने ये स्पष्ट नहीं किया कि इस पे प्लस, इस पे प्लस है, या इस पे माइनस, इस पे माइनस है, इस पे प्लस है या इस पे माइनस है, इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, इस विषय में इसने किसी प्रकार की कोई जानकारी शेयर नहीं की। तो हम दोनों ही बात कर लेंगे इसमें। तो ये कहता है कि ये एक तो इसके बीच में P बिंदु है, यहाँ
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। एक इन दोनों पट्टियों के राइट साइड में ये बिंदु Q है, इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। एक लेफ्ट साइड है R, इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। हम तीन भाग इसके लेंगे, तो देख लीजिए हम इसके केस बनाते हैं। पहला केस बनाता हूँ मैं कि एक पट्टी A है, दूसरी पट्टी B है, इसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। दोनों पर समान आवेश मान के चलता हूँ मैं पहले, यानी दोनों पर समान आवेश और समान प्रकृति का आवेश लेके चलाओ। तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो पी बिंदु पर देखिए, पहले ए पट्टी के कारण तीव्रता कितनी हो जाएगी, ई वन बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। बी पट्टी के कारण ई टू का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। देखिए ये चालक पट्टी है इसलिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो लिया। अगर ये अचालक या कुचालक पट्टी का होती तो टू एप्सिलॉन जीरो ले लेते। अब देखिए पी बिंदु पर, पहले एक एक को पढ़ेंगे हम। इस पट्टी की बात करते हैं पहले, ए पट्टी के लिए। ए पट्टी के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो जाएगी ई वन, और इसका मान हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। बी पट्टी की बात करोगे, ये बी पट्टी है हमारी, बी पट्टी के क्या हो जाएगी, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत दिशा में हो जाएगी, ई टू बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो आप देखेंगे ई वन और ई टू दोनों के दोनों का परिमाण समान है, ये भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो, ये भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो, लेकिन इनकी दिशा विपरीत है। दिशा विपरीत है तो परिणामी मान क्या हो जाएगा, अगर आप परिणामी मान निकालना चाहें तो परिणामी मान का पता लग जाएगा। परिणामी मान E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो बराबर है जीरो। तो हम क्या कह देंगे कि P बिंदु जो था इन दोनों प्लेटों के बीच में, ये बात पूछी थी पृष्ठों के बीच में, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, शून्य। ये हमारा पहला भाग खत्म हुआ। इसी के लिए हम बात करते हैं फिर, यही समान आवेश घनत्व है तो इसके बाहर, इसने कहा है बाहर किसी बिंदु पर, ये मैंने बाहर बिंदु यहाँ ले लिया, एक क्यू बिंदु। अब देखिए इस ए पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखोगे तो ये ई वन की दिशा हो जाएगी, और इस पट्टी के भी क्या है, ये राइट साइड, तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई टू। तो आप देखेंगे ई वन और ई टू दोनों के दोनों समान दिशा में है, क्यू बिंदु पर दोनों समान दिशा में। तो जब दोनों समान दिशा में होते हैं तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी तीव्रता आपको पता लग गया दोनों एक ही दिशा में हो तो E बराबर है E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। तो E1 का मान क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो प्लस ये भी कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। तो दोनों का लघुतम लेकर देखो, एक जैसी चीज़ें हैं तो दो गुना हो जाएंगी, दो गुना हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा, टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये परिणामी मान आपका बाहर किसी भी बिंदु पर, चाहे ये बिंदु बाहर है आपके राइट साइड हो चाहे ये बिंदु लेफ्ट साइड हो, तो मान कितना हो गया, टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पहला केस लिया। कौन सा केस लिया है, ध्यान रखें इस बात का कि आवेश तो समान मात्रा में है लेकिन प्रकृति भी हमने समान ली है, प्रकृति भी क्या ली, समान। अब हम विपरीत प्रकृति की बात करेंगे। ये हमने एक पट्टी का ली ए और एक पट्टी का ये ले ली हमने बी, इसके ऊपर हमने प्लस का आवेश ले लिया और इसके ऊपर हमने माइनस का आवेश ले लिया। इसका पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा है और इसका पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा। परिमाण में दोनों बराबर हैं क्योंकि आवेश की मात्रा क्या दोनों पे समान है, लेकिन इनकी प्रकृति अलग है। हम एक इसके मध्य में बिंदु लेते हैं पी, यहाँ बिंदु हमने पी ले लिया, इस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहेंगे। अब देख लीजिए, जब हम इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालना चाहेंगे तो इसके कारण, पहले इसके कारण तीव्रता निकालो, E1 का मान क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और इसके कारण E2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये आवेश कैसा है, माइनस का। अब ध्यान देना है आपको, ध्यान क्या देना है कि पहली जो मारी पट्टी है ए, इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई वन, और दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर, क्योंकि धन आवेशित पट्टी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर लगेगी। इस पट्टिका के कारण, बी पट्टिका के कारण हम पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहेंगे तो इसकी भी दिशा यही हो जाएगी, ई टू। क्यों, ये इस दिशा में क्यों रहेगी, क्योंकि आवेश कैसा है, ऋण आवेश, और ऋण आवेश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपनी ओर होती है,
यानी इस प्लेट की और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अगर ध्यान दिया जाए E1 और E2 दोनों समान दिशा में हैं, ध्यान देंगे तो क्या मिल रहा है आपको कि E1 की दिशा भी यही है, E2 की भी दिशा ये है, और जब समान दिशा में हो और सदिश राशि हैं तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, दोनों के योग के बराबर। तो हम दोनों का योग करें, परिणामी तीव्रता बराबर है E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 करोगे तो क्या बन गया आपका, मान देख लीजिए, मान निकाल रहे हैं हम, मान निकालेंगे तो σ/ε0 + σ/ε0 कितना आंसर हो जाएगा, 2 × 2σ/ε0, दोनों को जोड़ देंगे। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा पी बिंदु पर। अब हम इसके बाहर देखेंगे, इन पट्टिकाओं के बाहर हम क्यू बिंदु लेते हैं, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो इस पे क्या हो जाएगा, E1 ऐसे हो जाएगा क्योंकि ये प्लस की है तो बाहर की ओर लगाएगी, ये माइनस की पट्टी है तो ये इधर की ओर लगाएगी E2, तो विपरीत दिशा होगी क्यू बिंदु पे, विपरीत दिशा होगी तो परिणामी तीव्रता कैसे निकालोगे, दोनों का अंतर कर दो, यानी परिणामी तीव्रता E = E1 - E2। E1 कितना था, σ/ε0, और ये भी कितना है, σ/ε0, कट जाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो हम क्या कहेंगे, यदि दोनों पट्टिकाओं पर आवेश समान है और समान प्रकृति का, समान आवेश व समान आवेश और समान प्रकृति है, तो आपने क्या पाया कि प्लेटों के मध्य बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी और बाहर जो तीव्रता होगी वो 2σ/ε0 रहेगा। इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि समान आवेश व विपरीत प्रकृति, समान तो मात्रा में आवेश है, प्रकृति विपरीत है, उस अवस्था में दोनों प्लेटों के लिए, ये दो प्लेट ली थी तो मध्य बिंदु पर तीव्रता तो हो जाएगी 2σ/ε0, बाहर बिंदु होंगे उन पे तीव्रता हो जाएगी E = 0। ये आपका क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत सहायक सिद्ध होंगे और इन न्यूमेरिकलों के अनुरूप ही बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। 2019 के अर्धवार्षिक परीक्षा में बोर्ड की परीक्षा, जो 12th बोर्ड की परीक्षा हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि किसी एक घन बंद पृष्ठ है, कोई घन है, अगर उस घन के अंदर 5 विद्युत दबी ध्रुव रखे जाएं, यानी उसमें क्वेश्चन की मैं प्रॉपर लैंग्वेज बताता हूँ कि एक घन में 5 विद्युत दबी ध्रुव रखे हैं, तो घन से निर्गत फ्लक्स का मान निकालिए। यानी ये घन बनाया हुआ था, बनाया नहीं था उसने, वैसे लिख दिया था घन, तो हम उसको इस तरीके से देख सकते हैं, ये घन है एक, तो इस घन के अंदर 5 विद्युत दबी ध्रुव रखे हैं। दबी ध्रुव क्या होते हैं, जिस पे प्लस माइनस क्यू आवेश होता हो। तो इससे निर्गत फ्लक्स का मान पूछा गया था, तो निर्गत फ्लक्स देख लो, चाहे एक दबी ध्रुव हो चाहे 50 दबी ध्रुव, दबी ध्रुव पर परिणामी आवेश क्या होता है, क्योंकि समान व विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू कितना हो गया, 0। जब आवेश ही 0 है तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, φ = 0। इसका ये आंसर लिखना था। तो ऐसा क्वेश्चन आया था, एक ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह जब क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे, और ये न्यूमेरिकल जब आप करके देखेंगे तो ये आपको बहुत लाभदायक रहेंगे आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। जब भी इससे कोई न्यूमेरिकल आए तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और आप हमारे से जुड़े रहें, इसी तरह हम नए नए वीडियोस टॉपिक वाइज और उनके उस चैप्टर के न्यूमेरिकल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रस्तुत करते रहेंगे। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि सभी बच्चे इस भौतिक विज्ञान के टॉपिकों की सीरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकें।
आप सबका बहुत बहुत पुण्य एक बार फिर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, धन्यवाद।